एक राजा शिकार खेलने गया, गर्मियों की ऋतु थी, उसके जो जितने वजीर मंत्री अहलकार थे वो पीछे छूट गए, राजा घोड़ा भगाते आगे गया। आगे गया, बड़ी प्यास लगी, कहीं पानी का प्रबंध नहीं, एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था। राजे ने कहा, भाई तुम्हारे पास पानी है? मुझे प्यास लगी है। हाँ मेरे पास पानी है, मैं घर से चला था मशक में, कूनी में पानी लेके आया हूं, ठंडा पानी। राजा ने कहा पिला। राजा को पानी पिलाया, राजा के प्राण बचे, जल जीवन है। प्यार से बोलो श्री। पानी, तभी तो गुरुदेव ने गुरु ग्रंथ साहब में बोला, पवन गुरु पानी पिता। पवन जो है ना, हवा जो है, ये गुरु है, पानी है, पिता है। अब महाराज संत सुजान सिंह जी एक वचन करते थे, 10 ग्राम का लोहे का सिक्का पानी में फेंक दीजिए ना तो वो डूब जाता है, पर इतने इतने बड़े समुद्री जहाज पानी पे चलते हैं लकड़ी के, वो नहीं डूबते। प्यार से बोलो श्री। एक एक जहाज का पता है कितना वजन होता है, और फिर उसके ऊपर कितने क्विंटल उन्होंने टनों के हिसाब से सामान लदा होता है, पर वो पानी में नहीं डूबता। 1 रुपए का सिक्का या उससे भी छोटा डाल दे, वो पानी में डूबता है। भला क्यों? प्यार से बोलो श्री। तो महापुरुष बोलते थे, पाले की लज्जा, पाले की लज्जा। लकड़ी क्यों नहीं डूबती पानी में? क्योंकि पानी ने उसको पाला है। जब बीज डालते हो पौधे में बनाने के लिए, पेड़ बनाने के लिए, तो उसकी जड़ों में हम रोज पानी देते हैं। पानी पालता है उस वृक्ष जब बनता है। वो लकड़ी कट के जब नौका बनती है, हजारों यात्रियों को रोज पार करती है। प्यार से बोलो श्री। लकड़ क्यों नहीं डूबती? क्योंकि पानी ने उसको पाल के बड़ा किया है। इसी तरह सिख जो नाम जपने वाला है, गुरु वाला है, जिसका सतगुरु है और सतगुरु का नाम लेके वो सिमरन कर रहा है, तो कभी भी सतगुरु अपने सिख को संसार रूपी भव सागर में डूबने नहीं देते, बचा लेते हैं। प्यार से बोलो श्री। तो वो लकड़ी काट रहा था, राजे को प्यास लगी, लकड़हारे ने जल पिलाया, राजे के प्राण बचे, जल जीवन है। राजे ने अपनी बहुत कीमती अंगूठी उतारी, लकड़हारे को दी। तब तक वजीर अहलकार नौकर आ गए। राजे ने कहा, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, ये मेरी अंगूठी रखो निशानी के तौर पे, कभी कुछ चाहिए हो ना मेरे महलों में आना, मेरे राज दरबार में आना, मुंह मांगा ही नाम दूंगा। प्यार से बोलो श्री। कुछ मांगना है तो मांगो। लकड़हारा बोला, महाराज जी खुश हुए हो ना तो अपने यहां के वन अधिकारी को बोल दो मुझे थोड़ी सी लकड़ियां रोज काटने दिया करे। अरे राजा ने कहा, मांगा भी तो क्या, थोड़ी लकड़ियां ही काटने दे। चलो जो मेरा शहर के अंदर बड़ा बगीचा है ना, चंदन के जहां बूटे लगे हैं, चंदन के, सबसे कीमती लकड़ी होती है चंदन की। जब कोई बड़ा महापुरुष संत या कोई अभी जो वहां के नेता गुजरते हैं, उनको चंदन की लकड़ियों से संस्कार किया जाता है। प्यार से बोलो श्री। बड़ी कीमती लकड़ी, तो चंदन की लकड़ियों का मेरा बाग है शहर के अंदर। तुम लकड़ियां काटने की क्या बोलते हो, जाओ सारा बाग ही तुम्हारे नाम लिख दिया। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दाद। तुम थोड़ी बहुत लकड़ियां काटने के लिए बोलते थे ना, जाओ सारा बाग तुम्हारे नाम लिखा। वो बेचारे को बाग का पटा लिख दिया राजे ने, सारे बाग का मालिक बना दिया। अब लकड़हारे को अकल कहां बेचारे का, वो रोज चंदन की लकड़ियों को काटे जलाए,
और कोयले करके बाजार में बेच दे, रोज 2-4 रुपए मिल जाए। सारा ही उन्हें बाग चंदन का काट के, लकड़ियां काट के, जला के, कोयले करके बेच दिया। थोड़ी सी 10-15 किलो रह गई लकड़ी। उन्हें क्या, चलो इसको क्या जलाना, कोयले करना, बाजार में ऐसे ही बेच दूं। लाया, आगे व्यापारी खड़ा था, उन्हें क्या, भाई ये चंदन की लकड़ी लगती है, खुशबू दूर से आ रही है। बोला हाँ। बोला मुझे दोगे ये लकड़ी थोड़ी सी? बोला क्या दोगे इसका? उन्हें कहा चलो 1 रुपया 2 रुपया दे देगा, सस्ता जमाना था। उसने कहा 500 रुपया दूंगा इस लकड़ी का। वो सुन के हैरान हो गया, भाई मैं रोज लकड़ियां काट के कोयले करके बेचता रहा, 98 रुपया मिलता था, ये 500 रुपये छोटी सी लकड़ी का दे रहा है। उन्हें क्या मखौल करते हो मेरे साथ भाई? उन्हें सोचा शायद कीमत कम बता रहा है ये। उन्हें क्या 500 के 1000 देता हूँ भाई, अब तो दे दो। अब वो चक्कर में पड़ गया, बोला सच बोलते हो? उन्हें कहा ये लो 1000 रुपया। 1000 की थैली दी, वो थोड़ी सी लकड़ी ले ली, वो जिसका बाग था ना लकड़हारे का, जो लकड़ी बेचने आए, वो 1000 रुपये की थैली लेना भूल गया, रोने लगा जोर जोर से। वो कहता है रो क्यों रहा है? उसने कहा तू थोड़ी सी लकड़ी की कीमत 1000 रुपया, ये तो मुझे आज पता लगी, मेरा तो पूरा बाग था, मैंने जला के कोयले करके कोड़ियों के भाव बेच दिया, कोड़ियों के भाव बेच दिया। अब ये है दृष्टांत, इसमें परमार्थ क्या है? गुरुदेव कहते हैं ये शरीर भी तेरा एक सुंदर भाग है, चंदन का भाग है, जिसमें श्वासों रूपी पूंजी, अमोलक पूंजी परमात्मा ने डाली, और तूने 24,000 रोज श्वास कौड़ियों के भाव बेच दिए, एक श्वास से भी नहीं जपा सतनाम श्री, सारे ही कोयले करके बेच दिए, कौड़ियों के भाव श्वास बेच दिए। कभी ख्याल किया? ये तो किसी को पूर्ण संत से पूछो ना, बाबा नंद सिंह जी जैसे को, वो बताएंगे एक एक श्वास का, एक एक घड़ी की कितनी कीमत है। हम तो ऐसे ही करके सारा दिन, कभी अखबार पढ़ के, कभी दुकान पे बैठ के, कभी गप्पे मार के, कभी सैर सपटे करके, कहीं कहीं जाके हम घंटों बैठे रहे गपशप में समा गुजार देते हैं। पर बोलो कहीं सत्संग में आके 10 मिनट नाम जप लेना, बोलता है भगवान बुलाएंगे तो आएंगे। प्यार से बोलो श्री।